नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की। यहां एग्जिट पोल के नतीजों से नाराज नजर आए राजेंद्र साहू। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां मानवता हुई शर्मसार और बताएंगे कैसे मुरादाबाद में किसानों की समस्या का पुलिस ने किया हल। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसियों ने शनिवार को एग्जिट पोल भी जारी कर दिए। कम से कम 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत दिया गया और इस हिसाब से लग रहा है कि जैसे इस बार भी एनडीए की सरकार बन सकती है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र साहू मीडिया से नाराज नजर आए और कांग्रेस की जीत होगी ऐसा कहा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वहीं भाजपा विधायक एवं दुर्ग जिला अध्यक्ष ललित चंद्रकार और जितेंद्र वर्मा ने इसे स्वर्णिम भारत की शुरुआत बताया। मीडिया पिछले 10 साल से भाजपा का ही प्रचार प्रसार करते आ रही और जहां उनको देश हित की बात करनी चाहिए, बेरोजगारों हित की बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, वहां ऐसा कभी कुछ दिखाते नहीं हैं। ये चुनाव के दरमियान भी भाजपा को ही लेकर ज़्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये मेरा मानना है। और अभी जो एग्जिट पोल आए हैं वो सब भाजपा कार्यालय के द्वारा जो बनाया गया था उसी को इन लोग प्रसारित कर रहे हैं। सभी में एकरूपता है, देखना 2014 में भी नहीं सही नहीं निकला था और न ही 2023 में सही निकला। 2023 में तो हम लोगों को सरकार बन रही थी बता रहे थे। एग्जिट पोल जो वहाँ से बन के निकलते हैं और ख़ासकर लोकसभा चुनाव में, अभी छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, सभी जगह कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ेगी और अच्छे से बढ़ेगी। जनता तो महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे कभी दिखाया गया कि बेरोजगारी भी मुद्दा है करके मीडिया के द्वारा? कभी दिखाया गया कि किसानों को उसका वो मिलना चाहिए? किसान आंदोलन हुआ तो उसको दबाने का प्रयास किए ये मीडिया के लोग, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं का भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसलिए हम लोग अच्छे से चुनाव जीत रहे हैं। जय श्री राम। प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा और प्रजातंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव भारत देश में शांतिप्रिय तरीके से 7 चरणों में संपन्न हो चुका है। भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल आ चुका है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एनडीए को 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट से अधिक प्राप्त करने का जो दावा किया है वो निश्चित तौर पे पूरा हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एग्जिट पोल में 10-1 बता रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 11 के 11 सीट आदरणीय मोदी जी और आदरणीय विष्णुदेव जी के डबल इंजन के सरकार ने जो उपलब्धि प्राप्त किया है उसके चलते छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन 11 के 11 सीट दे रहे हैं। उसी प्रकार से पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने इस देश में चाहे गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 13 साल और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल में जिस प्रकार से ईमानदारी, शुचिता, पारदर्शिता और देश के लिए 18-18 घंटा निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, उनको पूरा देश ही नहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम पूरे एनडीए के साथ 400 से ज्यादा सीट प्राप्त कर रहे हैं। जय हिंद। आप भी मीडिया जगत से हैं, आप भी जानते हैं, आप भी ग्राउंड लेवल में काम करते हैं और मीडिया लगातार ग्राउंड लेवल में जमीनी स्तर में मीडिया जाके लोगों से बातचीत करके ये जो रुझान है ये लोगों से फीडबैक मिलने के बाद ही मीडिया बताती है। मीडिया अपने तरफ से कोई प्रेडिक्शन नहीं करती और जमीन में जाके सर्वे करने के बाद ये जो एग्जिट पोल आया है ये, और मैं आपको बताता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है निश्चित तौर पे
सभी एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन जो 400 का जो हमारे मोदी जी जो बोले हैं और हम लोग लगातार चुनाव बोले 400 के पार जाएगा और 4 तारीख को हम देखेंगे कि भारी बहुमत और भारत विश्व गुरु और सोने चिड़िया की ओर एक कदम और आगे बढ़ेगी और हमारा जो देश है जो 5वें नंबर में अर्थव्यवस्था में वो 3रे नंबर के अर्थव्यवस्था और आने वाला जो ये 5 साल है ये स्वर्णिम भारत के लिए रहेगा। हम सब देखेंगे और सब हम इसके साक्षी बनेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है जहां जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर तहसील के गांव कंजा चितावत का मामला है जहां पर एक व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से कमजोर है उसे पिछले 10 साल से अधिक समय से रस्सी और जंजीरों में बांधकर एक पहाड़ी के पेड़ पर तने से बांध दिया गया। धूप गर्मी बरसात सर्दी और सभी मौसम में वो ऐसे ही बंधा रहता है। हालांकि घर वाले उसे खाना पीना देते रहते हैं लेकिन वो पेड़ के तने से ही बंधा रहता है। आज एक और जहां बढ़ रहे तापमान को लेकर सरकार के द्वारा लोगों से बचकर रहने की अपील की जा रही है तो वहीं ये व्यक्ति चिलचिलाती धूप में भी पेड़ के तने से बंधा हुआ रहता है। गाँव में जानकारी करने पर पता लगा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होने के चलते गाँव वालों पर पत्थर मारने लगा था जिसके चलते इसे बांधा गया है। सर ये कंजा चितावत का क्या मामला है? सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि किसी व्यक्ति को जो है उनके परिजनों द्वारा जो है 10 साल से उसको बांध रखा गया है। तत्काल से सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन मिलकर के मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ये ग्राम पंचायत कंजा है, कंजा चितावत, वहाँ पर एक एनएस खान नाम का व्यक्ति है तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसको कभी उस विक्षिप्तता कारण कभी कभी लोग आने वाले लोगों पर हमला करता था। उसके दृष्टि परिजनों ने उसको बांध के वहाँ रखा था, खाना वाना देते थे लेकिन आर्थिक तंगी कारण इलाज नहीं करा पा रहे थे। जैसे संज्ञान में आया तत्काल मेडिकल टीम ले जा करके उसको छुड़ाया गया और उसको मेडिकल मोरानीपुर लाया गया है। मेडिकल टीम जो उसकी जाँच भी कर रही है, उसका इलाज भी कर रही है। क्या नाम है आपका? राघवन। कहाँ की निवासी? चितावत। चितावत नहीं जी, एक आदमी बंधा है यहाँ पर, मैंने पारिया पे देखा है जी, क्यों बांधे हैं इसे? इसके लिए दिमाग से डिस्टर्ब है, इसके इसलिए घर वाले इसको मैदान में बांधे हैं धूप में। तो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारू मास इतनी कड़कती हुई धूप में जो आदमी छाए में चक्कर आ रहा है, एसी में चक्कर जी, तो धूप में बंधा है वो। हाँ, धूप में इसको 12 महीना बांधे रहती है। 12 महीना बांधे रहते हैं? तो बांधे क्यों हैं? अगर मुख्य वजह क्या है इसकी? ये दिमाग से डिस्टर्ब है, ये पत्थर मारता है आदमी। मतलब इसकी परिजन वो नहीं है घर पर? परिजन है, उसकी माँ मताई है, पिता भैया है। तो मतलब इसकी कोई सरकारी व्यवस्था ऐसी मिल जाए जो सही भी हो सकता? हाँ, है तो कोई सरकारी व्यवस्था मिल जाए, व्यवस्था हो जाए उसकी, कुछ छाए आए की कोई व्यवस्था हो जाएगी, खाना पीना की टेम टेबल से ना उसे खाना पीना मिलता है जी। तो कौन सी जगह पर बंधा है अभी? ये पहाड़िया पे बंधा है, कंजा में। कंजा में पहाड़िया पे बंधा है। डॉक्टर साहब, कंजा गाँव का मामला आया, क्या है मामला? हाँ, ये एक एनएस खान नाम का युवक है, लगभग उम्र 45 साल है, पंजाब का आया है। अभी प्रशासन और एम्बुलेंस उसको ले करके आए हैं, पता चला तो 10 साल पहले कुछ मेंटल प्रॉब्लम हुई थी तो उसका ग्वालियर में ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक और काफ़ी कुछ उसको दिया गया। अभी भी वो थोड़ा सा हाइपर होता है तो अभी उसको लेकर के आए हैं, यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका कर दिया गया है और अभी यहाँ से उसको झांसी जिला अस्पताल के लिए अभी रेफर कर दिया। क्या लक्षण समझ में आ रहे हैं उसके आपको जी? क्या लक्षण उसके क्या है? लक्षण ये है कि एपिसोड्स आ रहे हैं, उसको साइकेट्री का मामला लग रहा है पहले देखते हुए, तो जिला अस्पताल में अपने पास पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ पर साइकेट्री का, वो बाकी का फिर वो वहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे। हम यहाँ पर तो वो सुविधा है नहीं तो बेसिक ट्रीटमेंट जो होना चाहिए था वो करके यहाँ से वहाँ पर उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि एनिस खान नामक व्यक्ति जो कंजा चितावत थाना मऊरानीपुर क्षेत्र के रहने वाला है, जिसके परिजनों द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण वर्षों से बांध के रखा गया है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस, राजस्व टीम और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची, उनके परिजनों से बातचीत की गई तो उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये एनिस खान वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और आने जाने वालों लोगों पर पत्थर मारकर घायल कर देता है, इस कारण इसे बांध के रखा गया है। इसका इलाज भी कराया गया लेकिन सही नहीं हो पाया और इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया कि कई बार इसके लिए रहने के लिए झोपड़ी बनाई गई, झोपड़ी को तोड़ के फेंक देता है
और जब कपड़े पहनाए जाते हैं तो कपड़े को भी फाड़ के फेंक देता है। इस पर पुलिस, राजस्व और डॉक्टरों की टीम द्वारा इसे सीएससी मऊरानीपुर में इलाके एडमिट। झांसी के मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां सड़क से गुजर रहे युवक पर तलवार से हमला किया गया। नशे में धुत दबंग ने तलवार से हमला किया। अचानक हुए हमले में युवक घायल हो गया। युवक पर हमले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने हमलावर युवक को दबोच लिया। घायल को इलाज के लिए पुलिस ने भेजा है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मरकंद नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से है, जहां पर कर्नाट तालुका में जयकाली कंप्यूटर टाइपिंग द्वारा छात्रों को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कंप्यूटर टाइपिंग डिप्लोमा परीक्षा में कर्नल तालुका के मेधावी छात्र को जयकाली कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट की ओर से सहकार महर्षि बाला साहेब पवार लाइब्रेरी में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य पंकज देशमुख ने की। वहीं मुख्य अतिथि जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य SS दावड़गड़े थे। समूह शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति थे और साथ ही साथ संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत पवार, संस्था की प्राचार्य अनिता पवार भी उपस्थित रहे। बता दें कि उपस्थित गणमान्य लोगों की तरफ से सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। आणि त्यांनी बोलताना ते म्हटलं की माझी मनातली एक सुप्त इच्छा मी पूर्ण केली, त्यामुळे त्यांनी जे कम्प्लीट केलं त्याचं माझ्यासाठी फार विशेष असं स्थान आहे। कारण आम्ही शिक्षण क्षेत्रात नेहमी म्हणतो की आम्ही शिकत राहिलं पाहिजे, लर्निंग इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, पण ते प्रत्यक्षात जगणं तेवढं सोपं नाही आहे। ॲडमिशन घेणं, इथे येणं आणि विद्यार्थ्यासारखं, खास करून एका शिक्षकांना विद्यार्थ्याचं जीवन जगणं हे सोपं नाही, त्यामुळे त्यांनी ते करून दाखवलं, म्हणून मला त्याच्या बाबतीत विशेष आनंद झाला। सर डॉक्टर पवार आणि पवार मॅडम यांचं सुद्धा आम्हाला खास कौतुक वाटते, कारण फक्त कम्प्युटर क्लास न घेता। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर किसानों की ट्यूबवेलों से मोटर तार चोरी करने वाले गिरोह के चार अभियुक्तों को पुलिस और एसओजी की सेक्टर टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा ने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, थाना चंडलेट में 28 मई और 9 मई ग्राम में रात्रि के समय जो मोटर पंप होता है किसानों का, उनमें चोरी की घटना हुई थी और एक रात में मेरे 7 से 8 मोटर गई थी और एक रात में 4 मोटर उनको वहाँ से ले जाया गया और फिर दूर पास के ही खेत में भेजा के उनको तोड़ के उनके अंदर से जो कॉपर वायर होता है वो निकाल लिया गया। बाकी जो चीज़ें उनको वहीं छोड़ दिया गया, उनको उनसे चोरी करके ले गए थे। इसको लेकर वहाँ के किसानों में काफ़ी संतोष था और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे और लगातार 2 घटनाएं वहाँ पे हो गई थी, 2 मई को ही, फिर दूसरी जो घटना है वो 28 मई को हुई। इस पर हमारी एसओजी की टीम, थाना चंडलेट की टीम, थाना प्रभारी चंडलेट और सीओ कांट और एसपी सारे साहब हैं, उनके नेतृत्व में इसमें काम किया गया और 5-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मूल रूप से थाना मैनाखेल क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में एक व्यक्ति है वो संभल में रह रहे हैं और 3 लोग हैं जो मझौला थाना क्षेत्र में रह रहे हैं, करोड़ा क्षेत्र में, और अस्थायी रूप से यहाँ रह के, और ये लोग मोटरसाइकिल से और स्कूटर के माध्यम से रात्रि में यहाँ से निकलते थे। जहाँ जहाँ किसानों की जो इस तरह की जो वाटर पंप थे जो कि खेत के ऊपर रखे रहते थे और ट्यूबवेल नहीं होते थे, उन पर ये टारगेट करके और वहाँ से उनको निकालते थे, उसको लाके उसके बाद में कबाड़ियों में बेच देते थे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।